पंचायत चुनाव के आरक्षण की तिथि स्पष्ट होते ही उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि जल्द ही चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर देगा। इसी को देखते हुए जनपद संभल में चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज हम आपको मिलवाते हैं वर्तमान में वार्ड नंबर 9 से जिला पंचायत सदस्य एवं पुनः वार्ड नंबर 33 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार सतीश चंद्र शर्मा से, जिनका कहना है कि अपने क्षेत्र में कराए गए कार्यों के आधार पर चुनाव मैदान में आ रहे हैं। वहीं जो कार्य अधूरे रह गए उनको भी आगे पूरा कराना है। वहीं उनके वार्ड के रहने वाले लोगों का कहना है कि वे अच्छे व्यक्ति हैं और उन्हें ही चुनाव जीतना चाहिए। मेरा नाम सतीश श्रीवास्तव। कहाँ रहते हैं आप? बैठ साहू। क्या क्या कहना चाहते हैं आप हमारे केंद्र? मैं कहना चाहता हूँ कि देखो पंडित जी हम बहुत बढ़िया आदमी हैं, हम अब ये हमारे गांव जुड़ गए हैं और इतने बढ़िया आदमी सब तारीफ हो रही है, मगर पहले हमारे वार्ड में ना थे, पहले और गाँव और वार्ड में थे, मगर ये बहुत बढ़िया आदमी है। हमारे एससी वोट है हमारे गाँव के अंदर 63 वोट और पूरा एससी वोट इन्हीं देना चाह रहा है कि बहुत बढ़िया आदमी है, मगर इस समय जुड़े हैं इस समय बिंडी खेड़ा में। इन्होंने क्या विकास कर रहे हैं, आप क्या कराए? हमारे यहाँ मतलब बाबा से लेकर यहाँ तक रोड पक्का कराया इन्होंने, मगर अब हम ही चाह रहे हैं हमारा काम हो बढ़िया करें। मैं अतर सिंह पूर्व प्रधान ताहरपुर समरुआ। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार भी ये सतीश चंद शर्मा हमारे पहले वार्ड 9 था, अब वार्ड 33 हो गया है, पहले भी हमारे वार्ड पर रहे हैं, काम काफ़ी कराए हैं और अब भी हम इनके साथ हैं सतीश चंद शर्मा के। हम ये चाह रहे हैं कि मतलब आगे ये मतलब कामयाबी मिले। आपको लगता है कि आप आपके वादों पर खड़े उतरेंगे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल खड़े उतरेंगे, पहले भी खड़े उतरे हैं, अब भी उम्मीद है हमें पूरी। मेरा नाम है सतीश चंद शर्मा और वार्ड नंबर है 33, जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा साथ दें, हमें वोट दें, क्योंकि पहले ये हमारा वार्ड नंबर 9 था पमासा का, प्रथम संभल जिले का, तो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके प्रयास करके जितना भी हो सका विकास कार्य कराए, वो जनता के बीच में रख रहे हैं और पूरी 5 साल जनता की सेवा करी। जब जनता को हमारी ज़रूरत हुई सुख दुख में हम हमेशा जनता के साथ खड़े रहे, हम वो ही अपना पुराना काम पुरानी बात लेके जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता का हमें जन समर्थन मिल रहा है और जनता हमें पूरा सहयोग दे रही है। इस बार किन मुद्दों को लेके आप चुनाव लड़ेंगे? इस बार मुद्दे ये हैं कि जो हमारे क्षेत्र में कुछ विकास कार्य अधूरे रह गए हैं वो पूरे कराने हैं और कुछ रास्ते बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है, जैसे कि टांडे से एक पमासे को रास्ता होके गया नगला एंचोली होते हुए, ये रास्ता बहुत चलता है, इसे मतलब बढ़िया रास्ता बनवाना है और लोगों की सेवाएं करनी है और जो इस समय जो प्रेजेंट में दिक्कत है लोगों की, भाई रोज़गार नहीं है लोगों के पास, लोगों परेशान हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता में जाते हैं।